अब ये कैसी ट्रिक है भाई, पूरे अपार्टमेंट में आग लग गई। तो गाइस इस वीडियो में आपको तीन ऐसी जबरदस्त थ्रोएबल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको अगर गेम के अंदर यूज करोगे तो आपका चिकन डिनर तो पक्का समझ लो। तो कई बार हम लोग अपार्टमेंट्स के छत पे रहते हैं एंड वहां पे हम लोग पोजीशन होल्ड करके रहते हैं, या फिर कह सकते हो कि कई लोग कैंप भी करते हैं रैंक पुशिंग करने के लिए। एंड ऐसे समय पे जब एक एनिमी की पूरी स्क्वाड आप पे रश करती है ऊपर की तरफ, हमारी हालत काफी खराब हो जाती है, अपने टीममेट्स भी पैनिक में आ जाते हैं एंड कई लोग कहीं पे भी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि ये जगह। यहाँ पे देखिए, अगर आप मोलोटोव कॉकटेल यूज करोगे तो इसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक ही सीढ़ी तक मौली गई है। एंड अगर बंदे जहाँ पे मेरा टीममेट खड़ा है यहाँ पे रहेंगे तो उनका बाल भी बाका नहीं होगा, उनको कोई भी डैमेज नहीं होगा एंड अब वो आपके ऊपर रश करेंगे एंड आपकी पूरी टीम को मार देंगे। बट मैं आपको एक ऐसी ऑप्टिमल प्लेसमेंट दिखाऊंगा, वहीं पे आपको मौली फेंकनी है एंड इसका इफेक्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपको इस कोने में एग्जैक्ट, जी हाँ गाइस, बस यहीं पे ध्यान में रखना, मैच के अंदर भूल मत जाना, यहीं पे मौली को फेंकना है एंड इसका रिजल्ट देखिए आप, पूरे अपार्टमेंट के स्टेयर्स पे आग लग गई है। भले ही बंदे यहाँ नीचे क्यों ना हो, वहां पे वो बंदा नॉक हो ही जाएगा या फिर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। एंड ऐसे समय पे आपको एक और ट्रिक का इस्तेमाल करना है। पहले मैं आपको फिर से मौली फेंक के दिखाता हूं, ये इसकी ऑप्टिमल प्लेसमेंट है। कहीं आपको लग रहा है कि तुक्के से हुआ है, तो जी नहीं गाइस, ये तुक्का नहीं है, बस यहाँ पे फेंकिए एंड अब देखिए मौली कहां तक जाती है एंड पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे जल जाएगी, नॉक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी एंड नीचे की तरफ भागेगी, तभी आपको यहाँ पे आना है एंड काफी आसानी से पूरा स्क्वाड आप यहाँ पे अकेले वाइप कर सकते हो। तो है ना कमाल की ट्रिक। अब हम लोग बढ़ते हैं स्क्वाड हाउस की तरफ। तो अगर आप आपकी टीम के साथ स्क्वाड हाउस पे हो तो कई बार बंदे एकदम स्पीड में स्लैम इन देते गाड़ियां लेके, फिर चाहे वो बग्गी हो या फिर दासिया हो या फिर यूएसएड हो, और नीचे के माले में घुस जाते हैं एंड फिर अलग अलग खिड़कियों में से आपके ऊपर नेड एंड मॉली की बारिश हो जाती है। तो ऐसे समय पे आपको घबराना नहीं है गाइस, अगर आपको कोई भी गाड़ी दिखेगी इस तरीके से आते हुए एंड वो अगर बिल्डिंग के अंदर स्लैम इन करने वाले हैं तो आपको नेड लेके रेडी रहना है एंड इस नेड को आपको इस छत पे बस फेंक देना है एंड अब देखिए क्या होता है। बस यही ट्रिक आपको करनी है एंड एनिमी टीम जैसे ही स्क्वाड हाउस में घुसेगी वहीं पे एक से दो बंदे पक्का इनके नॉकआउट हो जाएंगे एंड वो भी सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई आखिरकार हुआ क्या। एंड जब उनकी हालत खस्ता है तभी आपको जंप करना है, उन पे रश करना है एंड उनका स्क्वाड खत्म कर देना है। अब मैं आपको एक तीसरी स्मोक ग्रेनेड की एक मजेदार ट्रिक दिखाता हूं जिन्हें आप इस तरीके के घरों में यूज कर सकते हो। तो कई बार ऊपर हमारा बंदा नॉक पड़ा रहता है पैनिक रूम में एंड नीचे से एनिमी नेड मॉली फेंकने के बाद आपके ऊपर रश करने ही वाला है इन सीढ़ियों की मदद से। तो कई बार बंदे पीछे की तरफ दीवार पे टीपीपी लेके रुकते हैं, बट यहाँ पे एक और ट्रिक आप कर सकते हो जहाँ पे आपको स्मोक ग्रेनेड की जरूरत पड़ेगी एंड जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको स्मोक फेंक देना है एंड उसके बाद जैसे स्मोक फैल जाएगा आप यहाँ पे हल्के से कवर में आके इस जगह पे वेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज जो होने वाली है मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ पे स्मोक के थ्रू नीचे की तरफ अगर बंदे आ रहे तो आपको दिख जाएंगे, बट उसी जगह नीचे अगर कोई बंदे है तो उनको स्मोक से पूरा ढक दिया जाएगा एंड उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि एनिमी वहां पे ऊपर खड़ा है कि नहीं। तो वो क्या करेंगे, स्मोक हटने का इंतजार करेंगे रश करने के पहले एंड कई बार बंदे यहाँ पे सामने सीढ़ी के आके रुक जाते हैं एंड तभी आपको मौके का फायदा उठाना है एंड बंदे को नॉक कर देना है। उसके बाद आप सीढ़ी से नीचे जंप करके उनकी पूरी स्क्वाड मार सकते हो क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफी वीक हो गए होंगे एंड स्मोक के चलते कंफ्यूज भी रहेंगे, बट यहाँ पे आपको पूरा आइडिया रहेगा, आपको पूरा विजन रहेगा कि क्या क्या हो रहा है एंड आप आराम से उनके ऊपर एडवांटेज में रहोगे। एंड गाइस ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना।